हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में आगामी त्योहारों और माननीय उच्च न्यायालय में आने वाले फैसले को लेकर घटिया थाने में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। आगामी त्योहारों और अयोध्या को लेकर हिंदू पक्षकारों और मुस्लिम पक्षकारों के मध्य माननीय उच्च न्यायालय में बहस पूर्ण होने के बाद और संविधान पीठ का निर्णय अपेक्षित है। अभय संप्रदाय के जनमानस से जुड़े होने के कारण सांप्रदायिक सौहार्द और कानून की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए पुलिस थाने घटिया थाना में शांति समिति की बैठक हुई। संपन्न बैठक में SDM पुरुषोत्तम कुमार, DSP ट्रैफिक नितिन सिंह दीक्षित ने व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जैसे सभी सोशल साइट पर 144 धारा लगाना बताया और कहा कि अगर कोई भी इस व्यक्ति आपत्तिजनक पोस्ट डालता है और पुष्टि पाए जाने पर तत्काल दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जाएगी और प्रशासन की ओर से जारी व्यवस्था को लेकर 40 बिंदुओं पर बात की। वहीं गांव वालों से सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील भी की है और त्यौहार भी मिलजुल कर मनाने की अपील की। उज्जैन से अजय निमा की रिपोर्ट। आज घटिया क्षेत्र में शांति समिति की बैठक चली गई है। इसमें मुख्य रूप से आगामी माह में होने वाले त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए क्या क्या सावधानी रखनी है और मुख्य रूप से जो वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश हैं शांति व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में वो सब आम जनता को बताए गए। सर 144 का अभी जिक्र आया है सर। हाँ, अभी रिसेंटली 144 कलेक्टर साहब के आदेश से लागू है। इसके तहत क्या नहीं करना है उसके संबंध में बताया गया है। तो इसमें मतलब 144 किस लिए लगा? ये इसलिए लगा ये कि किसी भी तरह के त्यौहार वगैरह हैं और आगामी समय में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अयोध्या विषय पर निर्णय आने की संभावना है तो उसको दृष्टिगत रखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह की मैकेनिकल हैंड्स यूज किए जाते हैं, टूल्स। शांति समिति की बैठक रखी गई है। ये विशेष रूप से जो आगामी त्यौहार आ रहे हैं, देवउठनी 11 से मिलादुन्नबी है, गुरु नानक जयंती है, आगे क्रिसमस भी है और इसी दरमियान संभवतः अयोध्या मुद्दे पे सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भी आने वाला है। इसी परिप्रेक्ष्य में जो है ये शांति समिति की बैठक रखी गई थी ताकि सबको इसमें जानकारी दी गई कि ये सोशल मीडिया पे जो है आपत्तिजनक मैसेज, आपत्तिजनक वीडियो, ऑडियो, इस तरह की चीज़ें चलती हैं जिससे जो है सामाजिक सौहार्द और शांति व्यवस्था जो है भंग होती है। इस संबंध में सभी को आगाह किया गया कि समाज में जहाँ कहीं भी लोग हैं वो भी इसका प्रचार करें कि ऐसी कोई गलत हरकत कोई ना करे। खासकर जो युवा पीढ़ी है, बच्चे हैं, उनको विशेष रूप से समझाइश की जाए कि कहीं ऐसा कोई मैसेज आपत्तिजनक आता भी है उसे फॉरवर्ड ना करते हुए तत्काल थाना प्रभारी को बताएं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।